Good evening, everyone. This is Simarpreet Singh, and I'm back with Statistics for Economics Lecture Number 1 Introduction. आपको बता आपके क्लास 11th की इकोनॉमिक्स के अंदर दो बुक्स हैं, एक माइक्रो की बुक्स हैं और एक आपके पास स्टैटिस्टिक्स की है. माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ऑलरेडी हमारी डिमांड की सीरीज कंटिन्यूएशन के अंदर है. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद स्टैटिस्टिक्स लेक्चर नंबर 1 वेयर वील इंट्रोड्यूस हाउ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड. If you require more information regarding classes, you can check out studycircle.com. If you want to join classes online as well as offline, you can contact 8851399893 and you can download our Study Circle app from Play Store and Android. It is absolutely free. Let's begin. Now, क्लास को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू लाइक द वीडियो, लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स एज दिस सर्व अ ह्यूज मोटिवेशन बूस्टर फॉर मी एंड हेल्प विद द YouTube एल्गोरिथम एज वेल. लेट्स बिगिन. आज की क्लास में हम जो चैप्टर कर रहे हैं, जो टॉपिक कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर विच टॉक्स अबाउट की इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन क्या है, हमारे को इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए, व्हाई शुड वी स्टडी इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द बेसिस फॉर इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट डेवलप कैसे हुई, उन सब चीजों के बारे में हम लोग आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. इट इज गोइंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, सो ब्रेस योर बेल्ट्स एंड लेट्स स्टार्ट. ओके, सो आज की क्लास का जो पहला टॉपिक हमने डिस्कस करना है, दैट इज ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स. इफ आई टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कैन बी डेटेड एज फार बैक एज 1776. हमारे को पहला ट्रेस इकोनॉमिक्स का जो मिलता है वो 1776 के अंदर मिलता है. एडम स्मिथ नाम के एक पर्सन, जिनको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उस टाइम पे इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में एक बुक लिखी थी एंड दैट इज व्हाई आई कैन से द ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी डेटेड एज फार बैक एज 1776. अगर इकोनॉमिक्स वर्ड की बात करी जाती है, इकोनॉमिक्स वर्ड इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक लैटिन वर्ड ओक्यूस निमेन, जहां पे ओक्यूस का मतलब हाउस होता है और निमे का मतलब टू मैनेज होता है. तो ये ओक्यूस निमे बेसिकली इस वर्ड से हमने आज की मॉडर्न इंग्लिश के वर्ड इकोनॉमिक्स को डिराइव करा है, जिसका मतलब बेसिकली हाउस होल्ड मैनेजमेंट. You see, economics as a subject is not only talking about how a country is to be run. ये एक बहुत ही छोटे से concept से उठकर बहुत बड़े-बड़े concepts तक deal करता है. So basically, economics is being derived from two words, ocios and neme, where ocios means a house and neme means to manage. Therefore, economics can be said as household management also. हम economics को household management भी कह सकते हैं. अब हमारे पास अलग अलग इकोनॉमिस्ट आए, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हमारे को इकोनॉमिक्स की एंड डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम इन डेफिनेशंस को आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले डेफिनेशन जो आपकी स्क्रीन पर मैंने शो करी है, दैट इज आवर वेल्थ डेफिनेशन. वेल्थ डेफिनेशन इकोनॉमिक्स को डिफाइन करती है एज इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स वेल्थ की साइंस है. अब ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ का मतलब होता है पैसा, वेल्थ का मतलब होता है मनी. लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग सिर्फ वेल्थ पैसे के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड्स विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. आप देखो, जब हम लोग ह्यूमंस की बात करते हैं, हम ह्यूमंस की नेसेसिटीज जो हैं, हम ह्यूमंस की वांट्स जो है वो बहुत सारी है. तो इकोनॉमिक्स हमारे को बताता है कि हमारे को कैसे गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए जिससे हम लोग ह्यूमंस की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें. इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट प्रोड्यूसिंग गुड्स विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. दैट इज व्हाई जो फर्स्ट पर्सपेक्टिव है हमारे पास, जो वेल्थ पर्सपेक्टिव है, उससे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या निकल कर आती है. इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स जो है ये वेल्थ की साइंस है, जहां पर वेल्थ का मतलब क्या है? वेल्थ का मतलब है ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करना जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है. तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स के जो प्रोफेसर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक्स को आज समझने की कोशिश कर रहे हैं. मैंने पहले आपसे बात की, जहां मैंने वेल्थ डेफिनेशन की बात करी, मैंने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, जहां पे वेल्थ का मतलब क्या है? ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करो जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. नेक्स्ट हमारे पास आती है वेलफेयर डेफिनेशन. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ मैन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ. इट सीज हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेस हिज. इकोनॉमिक्स का सिर्फ मतलब ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करने से नहीं है जो आपके गुड्स को सेटिस्फाई कर सके. वेलफेयर डेफिनेशन में हम इकोनॉमिक्स का एक और एस्पेक्ट यहाँ पे साथ में जोड़ देते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक आदमी को स्टडी करते हैं. इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग एक मैन को स्टडी करते हैं उसकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ के अंदर, कैसे उसके पास इनकम आती है, कैसे उसके पास सैलरी आती है एंड हाउ ही यूजेस दैट इनकम.
सो इन दी वेलफेयर डेफिनेशन हम लोग वेल्थ से एक स्टेप आगे आए. मैं टॉक अबाउट दी वेलफेयर डेफिनेशन, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपकी वेल्थ डेफिनेशन है. हम इससे एक स्टेप आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमारा वेलफेयर डेफिनेशन क्या कहता है? वेलफेयर डेफिनेशन वेल्थ की बात तो करता ही है, और साथ में कह रहा है कि हमारे को देखना है, हमारे को स्टडी करना है कि एक बार एक मैन को, एक पर्सन को उसकी इनकम मिल जाती है तो वो उसको यूज कैसे करते हैं. दैट इज मैंने यहाँ पे सेकेंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर. आप वेल्थ से आगे जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, आप वेलफेयर की तरफ जा रहे हो. आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही होंगी. ये पेपर के रेलेवेंट इतना नहीं है, अभी आगे की क्लास बहुत रेलेवेंट होगी जब हम लोग इन डेफिनेशन से आगे बढ़ेंगे. बट दीज डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स. आपके लिए इन डेफिनेशंस को पढ़ना जरूरी है इस चीज को देखने के लिए कि अलग अलग प्रोफेसर्स ने अपने टाइम पर इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन कर. तो हमने एक देख ली वेल्थ डेफिनेशन, जहां पे ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करो जो आपकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर. अगला है वेलफेयर डेफिनेशन. गुड्स की बात तो करी ही करी, साथ में कहा कि एक मैन को स्टडी करो कि उसकी इनकम उसके पास कैसे आती है एंड उस चीज को यूज कैसे करता है. गो टेक द लीप ऑफ फेथ फ्रॉम वेल्थ टुवर्ड्स वेलफेयर. नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है जिसको हम लोग स्कार्सिटी की डेफिनेशन कहते हैं. आज की मेजर क्लास इस डेफिनेशन की तरफ जाएगी. इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स विच हैव अल्टरनेट यूजेस. बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को यहाँ पर समझना. आप देखो हम यहाँ पर एक वर्ड डिस्कस कर रहे हैं, स्कार्सिटी. स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी है किसी चीज की. देयर इज समथिंग विच इज इन डर्थ. किस चीज की कमी है आपके पास, वो चीज सब्सिक्वेंट क्वांटिटी के अंदर नहीं है. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमारे पास स्कार्सिटी एक्चुअली एग्जिस्ट क्यों करती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्कार्सिटी? हम कहते हैं हमारे पास कोल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन सकती. हम कहते हैं हमारे पास आज के में पेट्रोलियम के रिजर्व्स नहीं है, उसकी स्कार्सिटी है. ऐसा क्यों है? व्हाट आर द वेरियस रीजंस बिहाइंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज? पहला रीजन, अनलिमिटेड वॉन्ट्स. हम ह्यूमंस की एक टेंडेंसी है कि हम किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं. आज के टाइम पे आपकी जॉब लगती है, आपकी जॉब मान लो 1 लाख रुपीज पर मंथ की लगती है. आप एक कार खरीद लेते हो ईएमआई के ऊपर एंड आप उसको पे करना शुरू कर देते हो. ओवर टाइम आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, यू गो ऑन फ्रॉम वन कार टू अनदर. आपके पास पहले स्विफ्ट थी, आप स्विफ्ट डिजायर पे आ जाते हो. आपकी सैलरी और इंक्रीज होती है, आप डिजायर से जीप कंपस पे आ जाते हो. आपकी सैलरी और इंक्रीज होती है, आप कहते हो मुझे कार नहीं चलानी, आई वॉन्ट अ हेलीपैड. मेरे घर के ऊपर हेलीपैड होना चाहिए, मैं हेलीपैड से ही ट्रैवल करूंगा, हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करूंगा एक जगह से दूसरी जगह. सो हम ह्यूमंस ऐसे ग्रीडी मैमल्स होते हैं दैट वी ऑलवेज हैव आवर अनलिमिटेड वॉन्ट्स. हमारी वॉन्ट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती. बिकॉज हमारी वॉन्ट्स कभी खत्म नहीं होती, हमारी वॉन्ट्स कभी सेटिस्फाई नहीं होती, इसीलिए पहला रीजन क्या है स्कार्सिटी का? द फर्स्ट रीजन फॉर स्कार्सिटी इज अनलिमिटेड वॉन्ट्स. नेक्स्ट, रिसोर्सेज आर स्कार्स. पहली बात, हम ह्यूमंस ग्रीडी हैं, हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है. एंड इसी के साथ में एड ऑन करने के लिए क्या है, हमारे रिसोर्सेज ही स्कार्स हैं. जिन रिसोर्सेज को हमारे को चाहिए अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो रिसोर्सेज ही कम है, वो रिसोर्सेज ही स्कार्स है. अब आपको वॉन्ट्स भी अनलिमिटेड करनी है और आपके रिसोर्सेज भी स्कार्स है, आपके रिसोर्सेज भी कम है. इसके साथ में एक एडेड डिसएडवांटेज क्या आती है, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस. इस चीज का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझना. आप देखो आपके पास पेट्रोलियम आता है, आप पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हो, पहले वो क्रूड फॉर्म के अंदर आता है, आप उस क्रूड फॉर्म से उसको रिफाइन करते हो, आप उसको नेचुरल गैस की तरह भी यूज करते हो, आप उसे क्रूड ऑयल की तरह भी यूज करते हो. पेट्रोलियम आपके पास आता है, पेट्रोलियम व्हीकल्स के अंदर भी जाता है, पेट्रोलियम आपकी एयर एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी चाहिए, कार्स के लिए चाहिए, स्कूटर्स के लिए चाहिए, बाइक्स के लिए चाहिए. एक ही रिसोर्स है, सिंगल पेट्रोलियम ही है, और उस सिंगल पेट्रोलियम के ही आपके पास वैरायटी ऑफ यूजेस है. फिर इस पेट्रोलियम को कभी कभी इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए यूज किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीन्स टर्बिनेटर्स को चलाने के लिए यूज किया जाता है. सो हमारे पास वर्ल्ड के अंदर स्कार्सिटी क्यों एग्जिस्ट करती है? हमारे पास वर्ल्ड में स्कार्सिटी इसीलिए एग्जिस्ट करती है, पहली बात, ह्यूमंस हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स. दूसरी बात, रिसोर्सेज ही स्कार्स है, रिसोर्सेज ही कम है. एंड इसके साथ में एडेड एडवांटेज क्या है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेट यूजेस हैं. इस अल्टरनेट यूजेस वर्ड का मतलब क्या है, एक सिंगल रिसोर्स को आप वैरायटी ऑफ जगहों पर यूज कर सकते हो. आपके पास पेट्रोलियम आता है, ये कार में भी जाएगा, ये जीप में भी जाएगा, ये आपके ऑटोज में भी जाएगा, आपकी बाइक्स में भी जाएगा, एविएशन में भी जाएगा, इंडस्ट्रियल यूजेस भी होंगे. सो एक चीज पहले ही कम है,
वॉन्ट्स पहले ही अनलिमिटेड है और साथ में उस रिसोर्स को आपको अलग अलग जगहों पे यूज करना है. दीज आर द प्रॉब्लम्स बिहाइंड स्कार्सिटी. ये वजह है कि स्कार्सिटी क्यों एग्जिस्ट करती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर. इसीलिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर स्टेट करते हैं जहाँ पे हम कहते हैं स्कार्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. स्कार्सिटी जो है ये रूट है, ये जड़ है सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की. कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आज के टाइम में भी कंट्री फेस करती है ना, उसका रीजन स्कार्सिटी. आप मुझे एक प्रॉब्लम दो, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ स्कार्सिटी कैसे है. पॉवर्टी है, स्कार्सिटी किसकी है, वेल्थ की है. आपके पास आज के टाइम में प्रॉब्लम किसकी है, पोल्यूशन की है. क्यों? स्कार्सिटी है ट्रीज की. आज के टाइम में आपके पास प्रॉब्लम आ रही है किस चीज की, कि आपके पास पेट्रोलियम रिजर्व्स नहीं है. क्या है? स्कार्सिटी. आपके पास वो रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है. रिसोर्सेज स्कार्स है, आपकी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, यू आर ग्रीडी, एंड जो आपका रिसोर्सेज कोई एक यूज नहीं है, उसके मल्टीपल यूजेस हैं, उसके अल्टरनेट यूजेस हैं. देयरफॉर वीज द स्कार्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. एंड ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी कंट्री एग्जिस्ट करती हो वर्ल्ड में जहां पे किसी चीज की स्कार्सिटी ना हो. Each and every country in this world has scarcity of one or more resources. ऐसी कोई कंट्री पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती जहां पे स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट ना हो. इसीलिए हर कंट्री में इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है. आप देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, स्कार्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. जितनी भी आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं कंट्री के अंदर, उन सबके पीछे रीजन क्या है? उन सबके पीछे रीजन स्कार्सिटी है. आपके पास रिसोर्सेज इनफ है ही नहीं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. योर नीड्स आर अनलिमिटेड, योर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, योर रिसोर्सेज आर स्कार्स, एंड जो रिसोर्सेज स्कार्स हैं उनके भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं. इसीलिए आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं ही नहीं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. एंड दैट इज वाई यहाँ पे एडेड लाइन लिखी हुई है, नो कंट्री कैन फोरगो स्कार्सिटी. ऐसी कोई भी कंट्री पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है जो स्कार्सिटी को फोरगो कर सके, जो स्कार्सिटी को छोड़ सके. हर कंट्री के अंदर किसी ना किसी रिसोर्स की स्कार्सिटी एग्जिस्ट करती है. दैट ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स. हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते ही क्यों हैं? हम इकोनॉमिक्स को इस वजह से पढ़ते हैं बिकॉज हर कंट्री में स्कार्सिटी एग्जिस्ट करती है. स्कार्सिटी होने के बावजूद, प्रीटेक्स्ट ऑफ स्कार्सिटी होने के बावजूद, यू हैव टू सिलेक्ट कि इन रिसोर्सेज को कहाँ पर यूज किया जाए. अब मैं कहता हूँ कि इंडिया में स्कार्सिटी एग्जिस्ट करती है. इंडिया के अंदर पेट्रोलियम रिजर्व्स की, पेट्रोल प्रोडक्ट्स की क्या है? स्कार्सिटी है, बहुत ही कमी है. बाहर से आपको इंपोर्ट कराना पड़ता है. आप इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो? आप इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ रहे हो कि जो आपके स्कार्स रिसोर्सेज हैं उसे किस जगह पर एम्प्लॉय किया जाए. मुझे इतना पता है कि मेरा पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो स्कार्स है. अब इस पेट्रोलियम को मैं कार स्कूटीज में यूज कर सकता हूँ, ऑटो वगैरह में यूज कर सकता हूँ, एविएशन में यूज कर सकता हूँ. मुझे पता है कि कार प्रोडक्ट्स जो मेरे पास हो गए, मेरे टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स हो गए, मेरे रिक्शाज वगैरह हो गए, या मेरे पास बाइक्स वगैरह हो गई, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी रन कर सकती हैं, मैं इसके यूज को लिमिट कर सकता हूँ. उसकी जगह मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ पेट्रोलियम को? एविएशन के अंदर. बिकॉज एविएशन में आज के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम ही यूज किया जाता है. So, हर कंट्री में, हर जगह इकोनॉमिक्स पढ़ाने के पीछे रीजन ही क्या है? रीजन सिंपल सा ये है कि हर कंट्री एक प्रीटेक्स्ट ऑफ स्कार्सिटी के अंदर जी रही है. बिकॉज हर कंट्री प्रीटेक्स्ट ऑफ स्कार्सिटी के अंदर जी रही है, यू वॉन्ट टू सिलेक्ट की रिसोर्सेज कहाँ पर यूटिलाइज किए जा रहे हैं, यू वॉन्ट टू सिलेक्ट की रिसोर्सेज कहाँ पर जा रहे हैं. तो आज की क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू करा. मैं आपके साथ में स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ, विच टॉक्स अबाउट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स को पढ़ा कैसे जाता है, इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री क्या है, अलग अलग प्रोफेसर्स ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या दी. मैंने डिस्कस करा आपके साथ, इकोनॉमिक्स सबसे पहले 1776 में आई थी, ओक्यूज एंड निमेस की बात की, जिसको हम लोग हाउस होल्ड मैनेजमेंट भी कहते हैं. हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, वेल्थ डेफिनेशन के अंदर. हमने वेलफेयर में बात करी कि एक पर्सन की इनकम कैसे आती है, वो उसको यूज कैसे करता है. हमने स्कार्सिटी के अंदर बात करी, हमने कहा स्कार्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. हमने कहा हम इकोनॉमिक्स पढ़ते ही इसलिए हैं बिकॉज स्कार्सिटी एग्जिस्ट करती है, और आपने इस चीज को सोचना है कि रिसोर्सेज को कहाँ पर यूटिलाइज किया जाए. अनदर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कार्सिटी. सो अगर आपके पास कहीं पर भी क्वेश्चन आता है, Why are resources scarce? Scarcity as a problem क्यों exist करती है? पहली बात, humans have unlimited wants. दूसरी बात, resources are already scarce. तीसरी बात, resources have alternate uses. आपने इसी को examples के साथ में portray करा. आगे देखते हैं.
नेक्स्ट एंड लास्ट डेफिनेशन जो हमारे पास आती है वो हमारी ग्रोथ डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट मनी टू एम्प्लॉय स्कार्स रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेट यूजेस टू डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ इन फ्यूचर। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इकोनॉमिक स्टडी ही ये है कि मैन और सोसाइटी चूज कैसे करते हैं, अपने पैसे को यूटिलाइज कैसे करते हैं, स्कार्स जो उसको यूज कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आज के टाइम पे, करंट टाइम पे एंड फ्यूचर के अंदर। तो मैंने आपसे जो बात करी, अगर मैं इन चार डेफिनेशंस की आपसे बात करूं, इन चारों डेफिनेशंस में से जो बेस्ट डेफिनेशन है वो आपकी ग्रोथ वाली की है, बिकॉज ये सबको कवर करती है। ये वेल्थ की बात भी करती है, ये वेलफेयर की बात भी करती है, ये स्कार्सिटी की बात भी करती है, और ये साथ में एक एडेड कंडीशन भी लेकर आती है कि आज के बारे में भी सोचो और फ्यूचर के बारे में भी सोचो। सो बेस्ट डेफिनेशन इज द ग्रोथ डेफिनेशन, लेकिन पेपर के लिए जो आपकी इंपॉर्टेंट है दैट इज अबाउट स्कार्सिटी। स्कार्सिटी डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, एंड कई बार आपके पास ये क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, व्हाई इज द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एग्जिस्टिंग इन कंट्रीज, स्कार्सिटी की प्रॉब्लम कंट्रीज में क्यों एग्जिस्ट कर रही है। हमने तीन रीजंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अच्छा, आगे हमारे पास जो चीज आती है वो आती है एक्टिविटीज के बारे में। कोई भी पर्सन, कोई भी ह्यूमन जब एक्टिविटीज अंडरटेक करता है तो उन एक्टिविटीज को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो एक्टिविटीज बेटा कौन कौन सी होती हैं? एक हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, एक हमारे पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो करी जाती हैं विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग। आपने पैसे कमाने हैं, आपका लाइवलीहुड अर्न करना है, यू हैव टू अर्न अ लिविंग, यू वांट मनी। जब भी किसी मटेरियल ऑब्जेक्टिव की वजह से, जब भी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, जब भी पैसे या पैसे से खरीदी जाने वाली चीज़ों के लिए काम किया जाता है, उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। Whenever any activity is undertaken with the objective of earning money, with a material objective, with a material buying perspective, or to earn a livelihood, वो सब चीज़ें आपकी economic activities के अंदर आती हैं। हर वो activity जो आप पैसे के लिए करोगे वो economic activity में cover हो जाती है। अब हमारी economic activity तीन तरह की होती हैं। हमारे पास consumption है, हमारे पास production है, हमारे पास distribution। Consumption, use of goods and services satisfy human wants, simple सा मतलब है। Goods को consume करो, services को avail करो, तो consumption simple सी बात क्या कहते हैं? Goods और services को use करो अपनी wants को पूरा करने के लिए, अपनी wants को satisfy करने के लिए। Production क्या कहते हैं? Activities undertaken to produce goods and services to satisfy human wants। Consumption कहता है goods and services को consume करो, production कहता है goods and services को produce करो, और लास्ट हमारे पास जो आता है बेटा वो डिस्ट्रीब्यूशन आता है। डिस्ट्रीब्यूशन कहता है हाउ इनकम जनरेटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी काम आपने करना है ना, कोई भी प्रोडक्शन आपने करनी है, उसके लिए चार फैक्टर्स होने चाहिए। चार फैक्टर्स कौन कौन से चाहिए? आपके पास लैंड होना जरूरी है, हवा में प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते हो, यू नीड लैंड। आपको लेबर चाहिए, लैंड अपने आप काम नहीं करता, लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड पे काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? लेबर चाहिए, वर्कर्स चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए। तीसरा, आपको उनको सैलरीज पे करनी पड़ेंगी, आपको मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी, यू वांट मनी, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। एंड लास्ट जो हमारे पास आता है उसे हम लोग एंटरप्रेन्योर या फिर ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, बिकॉज कोई भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है विदाउट ह्यूमंस। ये ह्यूमन ब्रेन है, ये ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन नॉलेज है जो किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट कराते हैं। तो अब आप ध्यान से इस चीज़ को समझो, मैंने कहा कोई भी एक्टिविटी जो हम लोग अंडरटेक करते हैं पैसे कमाने के लिए, मटीरियल ऑब्जेक्टिव के लिए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसको हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कंजम्पशन होती है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कंजम्पशन का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रोडक्शन का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये कंजम्पशन और प्रोडक्शन जब करोगे तो आपके पास पैसे आएंगे या पैसे जाएंगे। सो व्हाटएवर इनकम यू आर गेटिंग उसे जनरेट कैसे किया जाएगा एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड कैसे किया जाएगा। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, अगर लैंड आपका अपना नहीं है तो उसके ऊपर आपको रेंट देना पड़ता है। दूसरा लेबर, आप बाहर के लोगों को एम्प्लॉय करते हो, उनको आपको वेजेस देनी पड़ती है। तीसरा कैपिटल, अपना पैसा नहीं है तो बैंक से लोन लेना पड़ता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। एंड लास्ट इज एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को ये सारा काम करने के बाद अपना प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन बात करता है जो भी पैसा आपने जनरेट किया है उसको फैक्टर्स और प्रोडक्शन के बीच में डिवाइड कर दो।
डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसके हम लोग लास्ट सेक्शन पे मूव ऑन करते हैं, विच टॉक्स अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो पैसा या फिर वेल्थ क्रिएशन से बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट कंसर्न विद मनी और वेल्थ क्रिएशन। पैसा, मटेरियल ऑब्जेक्टिव, वेल्थ क्रिएशन, इस सब पर कोई काम नहीं है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैशन, लव, चैरिटी एटसेट्रा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो आप आउट ऑफ लव करते हो, आउट ऑफ कंपैशन करते हो, आउट ऑफ चैरिटी करते हो। आप एक ओल्ड पर्सन की हेल्प करते हो रोड क्रॉस करने में, आप उससे पैसे नहीं मांगते हो बाद में। आप ब्लड डोनेशन करने जाते हो, आप पैसे नहीं मांगते हो। ब्लड डोनेशन के कैंप्स में आउट ऑफ जेनरोसिटी, आउट ऑफ केयर आप ब्लड डोनेट करते हो। आप कोई पार्टीज अटेंड करते हो, आप कोई रिलीजियस एक्टिविटीज, सर्मन, सत्संग अटेंड करते हो। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये पैसे के मोटिव से नहीं करी जा रही। दीज आर डन आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ जेनरोसिटी। ये आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपकी मदर आपको घर पर पढ़ा रही है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। घर पे आपका, आपके पेरेंट्स जो हैं, चाहे फादर चाहे मदर, घर पे किसी भी चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई हेल्प कर रहे हैं, दीज आर ऑल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकॉज दीज आर नॉट डन फॉर मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव। ये आप किसी ना किसी नॉन मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव के लिए करे जा रहे हैं, आपकी तरफ आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन की वजह से करे जा रहे हैं। सो इफ यू सी अप्रॉक्सीमेटली 22 मिनट्स के अंदर हमने इसका पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। The entire chapter is complete और कुछ नहीं है इस चैप्टर के। सो क्लास 11th की क्लासेस हमारी शुरू होने वाली हैं। अगर मैं आपसे ऑफलाइन मोड की बात करूँ, इट इज़ सून बिगनिंग टू स्टार्ट फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 25th to 26th June। स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, दे कैन कॉन्टैक्ट 8851399893 फॉर क्लासेज बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। हमारी ऑफिशियल ऐप पर भी क्लासेस चलती हैं एंड बाद में वो क्लासेस जो होती हैं वहीं पर स्टोर हो जाती हैं। अगर आप कोई क्लास मिस भी करते हो तो वहाँ पे आराम से देख सकते हो। इसके अलावा एवरी टाइम अ चैप्टर गेट्स कंप्लीट हमारी प्रोजेक्टर बेस्ड क्लासेस भी होती है। सो इफ यू वांट टू अवेल दीज सर्विसेज, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हेल्प अस रीच अ गुड गोल, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक टुडेज लेक्चर। अगर आज का लेक्चर आपको फ्रूटफुल लगता है देन प्लीज डू द नीडफुल। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।